हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घन की। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की वर्ग के बारे में और वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घन और घनमूल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले ये जान लें कि घन किसे कहते हैं। बच्चों, घन क्या होता है? घन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। किसी भी संख्या को उसी संख्या में तीन बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल ही दी गई संख्या का घन होता है। जैसे हमें एक संख्या x दी गई है और x का घन ज्ञात करना है, तो x का घन ज्ञात करने के लिए हमें x को तीन बार गुणा करना पड़ेगा, x गुणे x गुणे x। उदाहरण के लिए हमें यदि 5 का क्यूब ज्ञात करना है तो हमें 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 करना पड़ेगा, और इसका मान क्या आएगा? 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। तो 125 जो है 5 का घन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का घन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि घन ज्ञात करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो पहला शॉर्ट ट्रिक है 11 से 19 तक का घन ज्ञात करने की विधि। इस विधि में हम 11 से 19 तक की संख्याओं के घन ज्ञात करेंगे। बच्चों, इस पर करना क्या है? कोई भी एक संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, 12 का घन ज्ञात करना है, तो हम 12 को तीन बार न गुणा करके हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस तरीके से लिखेंगे। पहले हमने दहाई का अंक लिख लिया, फिर इकाई का अंक लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस अंक का वर्ग। तो 2 का वर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 का घन लेना है। 2 का घन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे 4 प्लेस हो गए, एक ये और ये, इसके बाद ये। अब हमें पहले और आखिरी स्थान पर क्या करना है, क्रॉस कर देना है, और बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उनका डबल करना है। यानी कि 4 का डबल क्या होगा, 8 हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 4। अब इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 8 आ जाएगा, दहाई के स्थान पे 8 और 4 जोड़ने पे क्या था, 12। तो 12 का इकाई आप 2 लेंगे और 1 जो है आगे हासिल में जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 6 और 1 हासिल हो गया 7 और यहाँ पर आ गया 1। यानी कि 12 का क्यूब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 1728। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जो 11 से लेकर के 19 तक की संख्याएं होती हैं, संख्याओं का घन इस तरीके से आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। हमें मान लीजिए 15 का घन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 5 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे 50 और ये हो गया 10। अब इन्हें हमें जोड़ना है 5। 12 जो है आगे ऐड होगा, तो 50 और 25 75, 75 और 12 85 87। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 8 जो है यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 10 5 15 और 15 8 23। 23 का 3 यहाँ आप लिखेंगे और 2 इसमें जुड़ेगा, तो 2 और 1 3, यानी 3375 जो हो गया वो 15 का क्यूब हो गया। तो इस तरीके से 11 से 19 तक के संख्याओं के घन आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, दूसरी ट्रिक में हम ऐसी संख्याओं का घन ज्ञात करना सीखेंगे जिनमें इकाई का अंक 1 हो। जैसे हम 21 लेते हैं, 31 लेते हैं, 41, इस तरीके से इन संख्याओं का घन हम इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमें 21 का क्यूब ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2। यानी आप क्या करेंगे, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। यहाँ हमने 1 लिख लिया और यहाँ 2 लिख लिया, जो कि संख्या हमारी थी। अब इस 2 का वर्ग करके आप यहाँ लिखेंगे और इस 2 का घन करके यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद दोनों किनारों वाले जो अंक हैं
उनके नीचे क्रॉस कर देंगे, इनके नीचे कोई संख्या आपको नहीं लिखनी है और इन संख्याओं का डबल करके आपको लिखना है। दो का डबल हो जाएगा चार और चार का डबल हो गया आठ। अब इनको आप जोड़ लेंगे, यहाँ आपको वन प्राप्त हुआ, यहाँ फोर प्लस टू सिक्स हो गया, यहाँ एट प्लस फोर ट्वेल्व टू हो गया और एक कैरी यहाँ पे जुड़ा यानी कि नाइन 9261। इसी तरीके से यदि 31 का क्यूब हमें ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, 1, 3, 9, 27 यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ 6, यहाँ 18 आप ऐड कर लीजिए 1, 9, 9, 2। इस तरीके से ये आपका घन ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक है जिनमें इकाई का अंक 1 हो। बच्चों हम सीखेंगे कि किसी भी दो अंकों की संख्या का घन हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है 24 और इसका घन हमें ज्ञात करना है। पहले आप इकाई और दहाई की संख्याओं के घन करके लिख लेंगे, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 का घन 8 और यहाँ 4 का घन क्या हो गया 64। अब जो ये आपके चार प्लेसेस होंगे, यहाँ पे चार प्लेसेस में आपका फर्स्ट प्लेस आ गया, फोर्थ प्लेस आ गया। अब सेकंड और थर्ड में आपको क्या करना है, सेकंड प्लेस में पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करना है, यानी 2 का वर्ग गुणे 4, 2 का वर्ग 4 हो गया और 4 गुणे 4 क्या हो गया 16। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 16 लिखेंगे। फिर थर्ड प्लेस पे आपको क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करके इसमें गुणा करना है, यानी 4 का वर्ग गुणे 2। तो 4 का वर्ग हुआ 16 गुणे 2, 16 दुना 32, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 32। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट के नीचे क्रॉस लगा देना है और जो बाकी जो दोनों स्थान बच रहे हैं दूसरा और तीसरे वाले, इनका दोगुना करके यहाँ पर लिख लेना है। तो 32 का दोगुना हो गया 64 और 16 का दोगुना हो गया 32। अब इन्हें हमें जोड़ लेना है, तो आप जोड़ेंगे केवल एक अंक लिखेंगे इकाई का और जो दहाई वाला अंक आएगा वो आगे जा करके जुड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 4 ले लिया और 6 जो है आगे जुड़ जाएगा। अब इन्हें आप जोड़ लें, 32 और 64 क्या होता है 6, 6, 3, 9। अब इसमें हमें जोड़ना है 6, तो ये हो जाएगा 102 के लिए आपने 2 यहाँ ले लिया और 10 जो है आगे कैरी हो गया। अब यहाँ पे इन्हें आप जोड़ लें तो ये हो जाएगा 6, 2, 8 और 3 और 1, 4। 48 और 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 58। 58 का 8 आप यहाँ लिखेंगे और ये 5 कहाँ होगा, 5 जाएगा कैरी, जुड़ जाएगा हासिल में, तो ये 8 और 5 कितना हो गया 13। तो इस तरीके से 13,824 जो हो गया वो 24 का घन हो गया। तो बच्चों आशा है कि इस वीडियो में बताए गए ट्रिक्स और विधियाँ आपको भली बातें समझ में आई होंगी। तो बच्चों आप इन विधियों की और ट्रिक्स की प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।